हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज मैं आप लोगों को काफ़ी सिल्की स्ट्रेट हेयर पे कटिंग बताने वाली हूँ। जैसे कि प्रॉब्लम क्या होती है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और सिल्की टाइप का हेयर होता है ना, उसमें फ्रंट से तो बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता है। और ऐसे में प्रॉब्लम तब होती जब आप अपने हेयर को ओपन करते हो। यही प्रॉब्लम इनके साथ भी थी। इनका भी यही कहना था कि जब मैं किसी भी फंक्शन पार्टी में जाती हूँ, हेयर को ओपन करती हूँ ना, तो बहुत ही चिपका चिपका सा दिखते रहता है। लेंथ वाइज इनके हेयर अच्छे हैं, बट दिक्कत यही होती ना कि कोई लुक नहीं आता है। तो जब भी आप एकदम सिल्की स्ट्रेट हेयर पे कटिंग करें तो ध्यान ये रखें कि आप उसमें अच्छा खासा वॉल्यूम कैसे ऐड करें, कैसे कटिंग करें कि उसमें अच्छा बाउंस आ जाए, खास करके टॉप एरिया से। क्योंकि टॉप एरिया वाला जो हेयर है, वही जो है जब आप ओपन रखते हो तो वो फ्रंट पे साइड पे आता है, है ना। तो सबसे पहले टॉप एरिया से मैं ए सेक्शन डिवाइड करते हेयर को निकाली हूँ, सिक्योर कर दी हूँ। और साइड वाले हेयर को भी इस तरीके से अपना सेक्शन वाइज निकाल लें और क्लिप लगा के सिक्योर कर दें। इससे क्या रहेगा कि जब आप कटिंग करोगे तो आपका टाइम बचेगा और आप फटाफट से कॉम करके हेयर कट कंप्लीट करवाओगे। तो पार्टिंग से पार्टिंग को मिलाते हुए इस तरीके से हेयर को मैं निकाल ले रही हूँ। देखिए सामने से मिड तक बराबर पार्टिंग गया है टॉप एरिया में, और पीछे से आपको ए सेक्शन डिवाइड करना है। स्टार्ट हम करेंगे टॉप एरिया से ही, तो हेयर को सामने की तरफ लेके आएंगे। कोशिश करें कि अगर किसी का हेयर बहुत सिल्की है, जैसे मेरी क्लाइंट का हेयर सिल्की स्ट्रेट है, लेंथ वाइज भी इनके हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, मीडियम लेंथ है, और इनको शॉर्ट भी नहीं कराना है। तो यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है कि शॉर्ट भी ना हो और बाउंस भी ऐड हो जाए। तो इसको मैं चिन से नीचे रख के बराबर कट कर दी हूँ। इसके बाद हाफ आप डिवाइड कर दें, और अब हम क्या करेंगे, फिर से इसमें कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं स्टेप्स नुमा कट देने वाली हूँ, 95 डिग्री पे स्टेप्स कट डालूंगी। तो ए लाइन क्रिएट करते हुए ही आपको फिर से यहाँ पे सेक्शन डिवाइड करना है। तो पहले मैं जो हेयर की एक्स्ट्रा लेंथ थी उसको कट करके निकाल दी हूँ। उसके बाद आप देखें अच्छा खासा इसमें मैं हैवी स्टेप्स डालने वाली हूँ। तो अच्छा खासा जब इसमें हैवी लेयर ऐड होगा तभी जाके जो है इनका सामने से वॉल्यूम दिखेगा। तो ए सेक्शन डिवाइड करना है आपको और एक एक साइड की कटिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हेयर को ग्रिप कैसे करना है प्लीज़ आप लोग वो चीज़ वीडियो में देखें। देखिए इस तरीके से करना है, कोम फिंगर में ग्रिप करें, 95 डिग्री पे ले जाके इसको मैं बराबर कट कर रही हूँ। जैसे मल्टी स्टेप्स वगैरह में कटिंग करती हूँ तो 90 पे करती हूँ, वो बताती हूँ। तो आपको 95 पे डाउन करते हुए कट करना है। एक साइड का हो गया है, इधर का भी वैसे ही करना है। अच्छे से कोम करेंगे, ग्रिपिंग करते समय आपको ध्यान रखना है कोमिंग का तरीका गड़बड़ नहीं करना, वरना कटिंग का लुक ही चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से डाउन करते हुए कट की, अब इधर से गाइडलाइन ले ली हूँ मैं ताकि इसको परफेक्ट मैं कट कर सकूँ। ठीक है, फिंगर को नीचे साइड में टिल्ट की थी मैं, और अब दोनों तरफ के हेयर को एक साथ मिलाते हुए रीचेक कर लेंगे। सेम वैसी पोजीशन में रखने के बाद जो भी अनइवन लग रहा है उसको ट्रिम कर दें, जिगजैग कर दें, और ये कंप्लीट हो गया। अभी जो और हेयर बचा है उसको एक साथ ऐसा मिक्स कर लेंगे दोनों तरफ के हेयर को। तो ये अभी टॉप एरिया वाला हेयर ही कट हो रहा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा एकदम हैवी लेयर में ऐड कर रही हूँ, ताकि जब ये ओपन करें ना अपने हेयर को या सामने में रखें अपने हेयर को, तो बहुत ही अच्छा उसमें घना लुक दिखे, अच्छा वॉल्यूम दिखना चाहिए बालों पे, फ्लैट सा नहीं दिखना चाहिए। मतलब वॉल्यूम लाने के लिए एक तो हैवी लेयर ऐड करने होंगे, दूसरी बात है थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में इसको थोड़ा तिरछा कट कर रही हूँ। तिरछा कट करूँगी तो पीछे की लेंथ ज़्यादा शॉर्ट नहीं होगी, थोड़ा सा ही तिरछा की हूँ मैं, और उसके बाद रीचेक करके ट्रिम कर देंगे, जिगजैग करके टॉप एरिया वाले हेयर को हम डन कर देंगे। तो कभी भी अगर कोई भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके हेयर में सामने से बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है, बाउंस नहीं लगता है बालों पे,
तो वहां पे आप क्या करें, हैवी स्टेप्स डालें या हैवी लेयर डालें। दूसरी बात, थोड़ा सा शॉर्ट करें, थोड़ा शॉर्ट करोगे तो लुक अच्छा आएगा अपने आप, क्योंकि जब लंबे हेयर होते हैं ना तो उसमें खिंचाव पड़ता है, वो और ज़्यादा खींच जाते हैं पीछे साइड में, और जब आप उसी को थोड़ा शॉर्ट कर देते हो ना तो उसमें उतना प्रेशर नहीं पड़ता है और वो इजली जो है ऊपर के साइड में रहते हैं। अब जो हमने सेक्शन डिवाइड करके रखा हुआ है उसको ओपन करेंगे और फटाफट से इसको हम कट करेंगे। कटिंग के टाइम पे देखिए कैसे करना है, पीछे में जाके खड़े होना है और इसको भी पहले 95 डिग्री पे रखते हुए बराबर कट करेंगे। ये देखिए 95 पे रखी हूँ मैं, और इस तरीके से रखते हुए इक्वल कट कर देना है। उसके बाद फिर से कोम करते हुए इसको हम थोड़ा सा नीचे साइड में और डाउन करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कट करते चलेंगे, बराबर ही कट करना है। अब उसके बाद और थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे, सेम जैसे हम लेयर कट करते हैं उसी तरीके से। तो इसलिए मैं इस कटिंग को लेयर विद स्टेप्स बोलने वाली हूँ। आप लोग बताना कि इस कटिंग का और क्या नाम रख सकते हैं हम लोग। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि क्वालिटी को समझते हुए कट करोगे तो सही रहेगा। क्वालिटी देखें, हेयर्स की प्रॉब्लम को देखें, उसके बाद कटिंग करें। अब सेक्शन को देखें, पीछे वाले को भी मैं ले रही हूँ। अब इसको डायरेक्ट मैं लेयर कट ही दे रही हूँ क्योंकि लेंथ है नहीं उतनी ज़्यादा बालों की। तो लास्ट वाले हेयर को भी सेम ऐसे ही कट करके हम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर पीछे वाले हेयर को भी स्टेप्स जैसा ही कट करने का सोचूंगी तो हेयर शॉर्ट हो जाएंगे। मेन हमें जो है फ्रंट से जितना शॉर्ट करना था वो मैं कर दी हूँ। तो देखिए कितना कम कट हो रहा है, सिर्फ 1 इंच के लगभग मैं हेयर को यहाँ पर कट कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा कम्प्लीट। उसके बाद में क्या करेंगे, पूरे हेयर को एक साथ में हम ग्रेप करेंगे और इस तरीके से मिक्सिंग करेंगे कि बैक साइड से हमें इसमें यू कट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो पूरे बालों को एक साथ ग्रिप करते हुए देखें, इस तरीके से सामने लाना है और यहाँ पे तिरछा ट्रिम करेंगे। तिरछा इसलिए क्योंकि जो अनिवन सा दिखेगा सिर्फ हम उसको ही देखेंगे, ऊपर वाला तो ट्रिम होगा ही नहीं। सिर्फ आपको नीचे साइड वाले हेयर को, ये वाले हेयर को कट करना है, ताकि जो पतला हेयर पीछे से रहता है ना, जिसे हम बैक में ले जाके कट करते हैं, सामने से इस तरीके से कट कर दोगे तो फिर ज़रूरत नहीं लगेगी कि आप करो। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा लास्ट में कटिंग करने के बाद, अगर लगे तो आप कर दीजिएगा। मैं भी चेक करने वाली हूँ, वो चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो ये एक साइड का कम्प्लीट हो गया है, इसको मैं इस तरीके से सिक्योर कर दूंगी। दूसरे साइड भी इसी तरीके से कम्प्लीट करना है। तो ये हो गया दोनों तरफ का कटिंग कंप्लीट। उसके बाद फ्रंट हेयर कट करेंगे। तो फ्रंट का कट करने के पहले एक बार आप अपने क्लाइंट से ज़रूर डिस्कस करें कि आपको कैसा लुक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी पसंद होती है। कोई थोड़ा सा मीडियम लुक पसंद करता है, किसी को शॉर्ट लुक अच्छा लगता है। जैसे कि कल मैंने जिसका कटिंग किया हुआ था, आपने देखा कि बहुत शॉर्ट हेयर था, मतलब उनका पहले ना सर्टन बैंग्स था, बट अभी जो है वो सर्टन बैंग्स की बजाय उन्होंने साइड बैंग्स लिया हुआ, तो उसी को मैं ट्रिम की हूँ। तो यहाँ पर बीचों बीच से हेयर को ले रही हूँ मैं और इनको जो है ऐसे
स्ट्रेट पार्टिंग वाला लुक चाहिए जो कि अभी बहुत ज़्यादा इन है, खास करके गर्ल्स लोग तो वैसे ही कट ले रही हैं, जो कि कोरियन स्टाइल फ्रंट हेयर कट चल रहा है ना वैसा इनको भी चाहिए था। तो यहाँ पे सामने ला के इसको ट्विस्ट करते हुए इक्वल कट कर देना है। अब इस कट का प्लस पॉइंट ये होता है कि चाहे आप स्ट्रेट पार्टिंग में रखें या साइड पार्टिंग में रखें, हर तरीके से बहुत अच्छा लगता है। पर्टिकुलर आपको एक जैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये फाइनल लुक है और आप देखिए सामने से जो शॉर्ट लुक दी हूँ उससे काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया है बालों पे। चलिए फिर आप सब बताना कि कैसा लगा। फ्रंट एंड बैक दोनों लुक आपको मैं दिखा देती हूँ। बैक साइड से भी काफ़ी अच्छे स्टेप्स दिख रहे हैं और फ्रंट का मेन लुक तो इनको फ्रंट से ज़्यादा अच्छा चाहिए था, तो वो भी जो है हो गया है। सबसे मेन तो इनको सामने से वॉल्यूम चाहिए था, तो मैंने शॉर्ट लुक दिया हुआ है सामने से, ठीक है, लेंथ को ध्यान में रखते। और देखिए पूरा हेयर मर्ज लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर शॉर्ट की हो तो नीचे पतले लगे, नहीं, ऊपर अच्छे शॉर्ट हैं और नीचे भी अच्छा वॉल्यूम लग रहा है बालों पे। अब इस कट को अभी मैं आपको साइड लुक में दिखाई हूँ, अब मैं आपको स्ट्रेट लुक में भी दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो मैं जब भी आप ऐसे सिल्की हेयर पे कट करें, हमेशा आप फ्रंट एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स देने की कोशिश करें। जितना आप टॉप एरिया से उसमें हैवी लेयर स्टेप्स ऐड करोगे उतना ही ज़्यादा उसमें बाउंस लगेगा। तो यहाँ पे मैं बैक साइड का भी लुक दिखा दे रही हूँ। ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग जाए कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए लेंथ वाइज भी इनके हेयर ठीक है और अच्छे घने भी लग रहे हैं। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। कल मिलते हो एक न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।